अलीगढ़ में भाजपा महानगर व जिला चिकित्सक प्रकोष्ठ की ओर से रामघाट रोड स्थित पराग रेस्टोरेंट में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी सांसद सतीश गौतम का स्वागत और सम्मान करते हुए समर्थन देने का भरोसा दिलाया। सम्मेलन के मुख्य संयोजक डॉक्टर विभव वार्ष्णेय रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमित उपाध्याय मंत्री ने की, वहीं डॉक्टर जयंत शर्मा व डॉक्टर पुनीत पालीवाल मुख्य संयोजक रहे। कार्यक्रम में सह संयोजक डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, गौरव गर्ग और अनंत कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। लोकसभा प्रत्याशी सांसद सतीश गौतम ने सभी चिकित्सकों का आभार जताया। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री शिव नारायण शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष अमन गुप्ता, डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर एमपी सिंह, डॉक्टर पी कुमार, डॉक्टर संजीव शर्मा, डॉक्टर लवनीश मोहन, डॉक्टर अभिषेक शर्मा आदि मौजूद रहे। ये चिकित्सकों का कर्तव्य होता है किसी भी व्यक्ति को बीमारी से निजात दिलाना। हमारे देश में परम आदरणीय मोदी जी ने देश को जिन बीमारियों से निजात दिलाई है, मुझे लगता है आज तक सब लोग उन बीमारियों को लाइलाज समझते थे। तो मैं हमारे देश भारत के सबसे बड़े चिकित्सक आदरणीय मोदी जी को मानता हूं, और इसी क्रम में हम लोगों ने आज चिकित्सक महासम्मेलन का आयोजन यहां अलीगढ़ में किया है। हम सब चिकित्सकों ने प्रण लिया है कि मोदी जी को महाजीत की तरह इस बार हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, और हमारे परम आदरणीय सांसद श्री सतीश गौतम जी को जीत नहीं दिलाएंगे, ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, सह संयोजक महानगर चिकित्सा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। आज हमने महानगर और जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से एक हमारे जो माननीय सांसद जी श्री सतीश गौतम हैं उनके समर्थन में एक सभा का आयोजन किया था डॉक्टरों की। इसमें पूरे शहर के तमाम सीनियर जूनियर डॉक्टर्स उपस्थित थे। हमने पूरी सर्वसम्मति से सबके साथ मिलकर उनको पुरजोर समर्थन देने का वादा किया, और मैं चाहता हूँ कि आगे चल के ये जैसे मोदी जी अपने तीसरे टर्म में आ रहे हैं और अलीगढ़ से भी तीसरी बार लगातार सतीश गौतम जी सांसद बने, इसी संदर्भ में डॉक्टर वैभव वार्ष्णेय ने यहाँ पर एक सभा रखी थी। इस सभा में पूरे शहर के तमाम चिकित्सक मौजूद थे, सब ने मिलकर सतीश जी को अग्रिम बधाइयाँ दी और शुभकामनाएँ दी आगामी इलेक्शन के लिए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार पहले से भी ज़्यादा बहुत बड़ी जीत हासिल होगी सतीश गौतम जी को। नमस्कार। नमस्कार, मैं पुनीत पालीवाल, चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला अलीगढ़, भारतीय जनता पार्टी। आज माननीय सांसद जी का डॉक्टर्स के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया, और सभी जो डॉक्टरों ने एकजुट होकर उनको ये आश्वासन दिया है कि हम अपने साथ साथ हमारे यहाँ जो भी तीमारदार पेशेंट आएगा उनके अटेंडरों को सभी को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझाएंगे और उन्हें वोट देने की उनसे अपील करेंगे। धन्यवाद। आज महानगर एवं जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा माननीय सतीश गौतम जी के सम्मान में एक प्रोग्राम रखा गया और आयोजन किया गया और लोगों से अपील की गई। जब जब राष्ट्रहित की बात हुई है, चिकित्सा संघ ने, चिकित्सा वर्ग ने हमेशा राष्ट्रहित में काम किया है, चाहे वो कोरोना काल की महामारी हो, और जब जब राष्ट्र की बात हुई राष्ट्रहित में काम किया है। इस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, और मोदी जी द्वारा उच्च नेतृत्व द्वारा तीसरी बार माननीय सांसद सतीश गौतम जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। सभी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने, सभी डॉक्टरों ने संकल्प लिया है और आह्वान किया है, और ये संकल्प लिया है कि मतदान वाले दिन 26 अप्रैल को प्रत्येक डॉक्टर्स और वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं और सभी से आह्वान करेंगे और माननीय सतीश गौतम जी को कम से कम 5 लाख वोटों से विजयी बना के संसद में भेजेंगे, जिससे हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मजबूत हो और हमको मजबूत सरकार मिले और आगे हमारा देश विकसित भारत बने।